कहाँ से आना हुआ बेटा? सूरत। क्या नाम है आपका? मीत सिंह भी। मैं पहली बार आए हो शिविर में? 11 मई से बलोते में शिविर लगा है, तो शिविर में कितने बच्चे आए आपके उधर से? हमारे यहाँ से 21 बच्चे, एक युवा कार्यकर्ता और 4 बहनें। इसके पहले कहीं शिविर में गए थे? नहीं। संस्कार निर्माण शिविर में नहीं गए आपने? आज गुरुदेव के सानिध्य में नहीं गए। कैसा लगा शिविर के बारे में आपने कुछ व्यक्त भी यहाँ बताओ? आप बहुत संस्मरण बताओ आपको। 11 तारीख से आज 14 तारीख हुई है, 4 दिन आपको हुए हैं, 4 दिन हुए हैं आपको, 14 दिन आज का। आपको कैसा लग रहा है इस बलोतरा के बारे में, शिविर के बारे में, व्यवस्थापक के बारे में, लोगों के बिहेवियर से, और वहाँ पे भोजनशाला में, और इस आवास के बारे में, और यातायात के बारे में, कैसा अनुभव है आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन लगा था कुछ, बाद में दूसरे दिन से बहुत, मतलब बहुत अच्छा, खाने का बहुत अच्छा था, सब कार्यकर्ता सब जो मतलब चाहिए वो दे देते थे। यानी पहले दिन से दूसरे दिन के में इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले दिन में थोड़ी सी तकलीफ आई? हाँ, थोड़ी सी तकलीफ आई थी, और उसके बाद में अब कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। घर जैसा वातावरण लग रहा है आपको? घर से भी अच्छा लग रहा है। घर से भी अच्छा लग रहा है। और सबके साथ में रहने का कैसा मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत। और यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण देने आपको जो शिविर के आए हैं, उनसे आपने क्या सीखा अब तक के जिंदगी को? जितना आपने जो सीखा है वो बताइए कि आपने जो इसमें अपने आप में ग्रहण किया है, आपने अपने हृदय में उतारा है, और आगे भी भविष्य में उसके उस राह पे चलोगे तो आप उसके कुछ संस्मरण बताइए। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। आप आए बलोतरा, बहुत अच्छा लगा, हमें व्यवस्थापकों भी अच्छा लगा, हमारी परिवार समिति को भी सबको अच्छा लगा, और बच्चों का हमने पूरा ध्यान देने की पूरी कोशिश की है, और पीछे बचे हुए 8 दिन 4 दिन बचे हैं, 18 तारीख का शिविर, 18 तारीख तक शिविर चलेगा, वहां तक भी हम पूरी आप बात व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। ओ मरम। कहाँ से आना हुआ? गंगावती, कर्नाटक से आये हूँ। कर्नाटक से, मतलब ये बहुत दूर से आये हो, तो कितने बच्चे आये कर्नाटक से? कर्नाटक से 80 से ऊपर है। संस्कार निर्माण शिविर में आने का मन कैसे बना आपका? मेरे पापा भी संस्कार है, मेरे चाचा दीक्षा हुए, मेरे चाचा दीक्षा लिए, उसका उनका नाम है महावीर मुनि जी, और मेरे चाचा भी, और एक चाचा दीक्षा लेंगे, सुमेर अंकल। सुमेर अंकल ने मेरे पापा को कहा राष्ट्रीय संस्कार निर्माण शिविर लग रहा है, भतीजे को भेज दो, और मेरे पापा ने फॉर्म भर के उसी दिन नेट पे ईमेल पे भेज दिया स्कैन करके। क्या आपका भी मन हो रहा है चाचा की तरफ जाने का? हाँ, मुनि बनने का आपका भी आपकी इच्छा हो रही है? कुछ मन में ऐसा शिविर के माध्यम से कुछ लग रहा है आपको? हाँ, और जितेंद्र मुनि ने कहा कि आज एक मुनि ने बताया था नरक की पूरा फोटो, और उन्होंने कहा जो हम कहीं भी चले उनका पाप हमें लगता है, पर हम मुनि के बाद में कुछ भी पाप नहीं लगा, पाप घटेंगे। अभी तो मुनि बनना चाहोगे? बिल्कुल। हाँ। पक्का इरादा है? कहते नहीं अभी है थोड़ा। हाँ, मतलब अभी तो अपने 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 भाव रख रहे हो अंदर में, बात को ग्रहण कर रहे हो कि भाई मुझे बनना चाहिए। हाँ, और यहाँ की सुविधा वगैरह सब ठीक है। सुबह 4:30 बजे उठते और योगासन पे आते, और सुबह आचार्य श्री महाश्रमण जी आते और मंगलिक पाक देते हमें। यानी आज ये संस्कार शिविर इसलिए लगाया गया है कि 10 साल की उम्र से लगा के 18 साल तक के बच्चों को, 12 साल तक के बच्चों को संस्कार में पूरा संस्कार से कैसे संस्कार उसमें आने चाहिए, किस तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए, ये आपको सीखने की एक बुनियाद, एक प्लेटफॉर्म मिला है, और इसका माध्यम इस वक्त बनाया आचार्य श्री महाशर्मा जी के सानी में बलोतरा। हमें बड़ी खुशी है बेटा आप आए यहाँ पे, आपको अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मरम। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ। मैं जब खाना खाने जाता हूँ और हमें माइक पे इन्फॉर्म किया जाता है, कोई भी चल के नहीं जाएगा, वाहन में जाएगा। ये हमने व्यवस्था पहले दूसरे दिन रात को दे दी थी, मैं बाहर गया था, व्यवस्था दे दी थी, कोई भी बच्चा चल के नहीं जाएगा, गर्मी का मौसम है, बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा है। गर्मी में भी हमें जहाँ हम सो रहे हैं नीचे कूलर लगाया हुआ है, हम मस्त नींद में सो जाते हैं। यानी घर जैसा वातावरण मिल रहा है आपको, घर से भी अच्छा मिल रहा है। बहुत धन्यवाद। ओ मरम। और जो हम चाहते हैं खाने में रसगुल्ला वगैरह सब मिलता है, सब मिलता है, यानी सब घर से भी अच्छा मिलता है आपको। बड़ा मजा आया, दोबारा आना चाहेंगे जरूर। क्या नाम बेटा आपका? जय जिनेन्द्र, मेरा नाम मोहित सुराना है। कहाँ से आना हुआ? चेन्नई से। चेन्नई से कितने बच्चे आए चेन्नई से? अंकल एक्चुअली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारे लिए 30 जन का टिकट कराया हुआ ट्रेन में चेन्नई से, लेकिन सडन सब कैंसिल हो गया क्योंकि पूरा बुकिंग नहीं हुआ। फिर मेरे को पापा को पता चला कि ऐसे हुआ, वो तुरंत मेरे लिए फ्लाइट में टिकट कराए, और मैं एक ही दिन में यहाँ पर आके पहुँचा, तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत
भाग्यशाली हूँ। यानी आपके पापा चाहते थे कि आप संस्कार सीख के बेटे आओ और कुछ बनो। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन अंकल, वो अगर न्यूमेटिक्स के बारे में जान पहचान इंजीनियरिंग। गुरुदेव के दर्शन करते रहते हैं? हाँ करते हैं। साल में कितनी बार करते हैं? साल में तीन बार। तीन बार। आप भी उनके साथ आते हो कभी? नहीं, स्कूल होता है इसलिए। अच्छा, स्कूल की वजह से नहीं आते, लेकिन संस्कार निर्माण शिविर की वजह से आए हो। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे आप? अंकल मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ व्यवस्था के पहले। ये 8 दिन का रखा हुआ है, लेकिन हम सब का मन लग रहा है कि 20 दिन और 1 मंथ का लेना चाहिए। बहुत कम दिन है ये तो। ये तो भूपेंद्र जी मुता से मैं कहूंगा कि बच्चों की भावना हो रही है कि 8 दिन का नहीं लगे, 1 महीना का लगे। 1 महीने का नहीं लगे तो कम से कम 11 दिन का, 15 दिन का जरूर लगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा, बच्चों की भावना को ध्यान में रखते हुए उनको बताऊंगा कि बच्चे सारे खुश है, सबको बड़ा आनंद आ रहा है, घर से भी अच्छा वातावरण इनको मिल रहा है, इनको कोई घर की कोई कमी महसूस नजर नहीं आ रही है। ये इस तरह से इन बच्चों से हमको सबको सुनने का मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरम। अंकल एक चीज, हाँ, और कुछ कहना चाहते तो आप जरूर कहेंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया फर्स्ट डे, तो मुझे मन में थोड़ा घबराहट आ गया था कैसे रहेगा। फिर मास्टरमैन जी नहीं आए थे, वो ऊपर क्या बोलते ना सामायिक में थे, तब अगर मास्टरमैन जी का ऐसे प्रभाव लिखा हुआ था, स्थिति से डरो मत, उसे समझो और उसे सुधारो। उसे देखते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ पर जरूर रहूंगा पूरा 8 दिन। तो मुझे बहुत खुश हूँ यहाँ पर। यानी आपको माँ सरमन जी के जो शब्दों के जो उद्गार जो हमने यहाँ कोटेशन पे लिखे हुए, वो आपके जीवन में उसी दिन काम आया कि मुझे यहीं रहना है। उसके बाद आपको कोई तकलीफ महसूस हुई? अंकल इससे ज्यादा तो काम पर भी और नहीं होगा भाई, यहाँ पर ही बहुत अच्छा है। काम पर भी जाए इतना अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, जहाँ कहीं भी और जाओगे व्यवस्थापक अपनी सुंदर व्यवस्था रखेंगे। हम यही कामना करते हैं, धर्मसंघ से भी यही करते हैं, भूपेंद्र जी मुता को भी यही कहेंगे और यहाँ के जो शिविर के जो कार्यकर्ता है उनसे भी यही हम कहेंगे कि भाई व्यवस्था बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे बल्होत्रा का गौरव आपने शिविर लगा के बढ़ाया है, वैसा ही और गौरव आगे बढ़ाते रहो। संस्कार निर्माण शिविर में जितने 600 बच्चे आए हैं उससे भी ज्यादा कहीं आवे, हम यही अपेक्षा करते हैं, यही मैं उनसे निवेदन करूंगा। और कुछ अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हो तो आप कहिए। अंकल ये सब इतनी अच्छी व्यवस्था, जब मैं चेन्नई में शिविर में था तब अगर मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, हमारे लिए 600 जन के लिए इतना अच्छा व्यवस्था और टैक्सी प्रोवाइडर, काम पर भी मैं नहीं देख पाऊंगा ऐसा। और खाना से लेके व्यवस्था, आज मेरा मोबाइल खो चुका है। मैं अंकल जो उपेंद्र अंकल को बोला था कि अंकल मेरा मोबाइल, वो क्या बोले, तेरे मोबाइल गुम जाएगा तो फिक्र मत करना, मोबाइल गुम गया तो मैं देखो नया दिलाऊंगा, ऐसे मत सोचना। यानी भूपेंद्र अंकल आपका पूरा ध्यान रखते हैं। संयोजक जो इस संस्कार निर्माण शिविर के हैं, वो बड़े मान हैं, बड़ा सादगी में हैं। उन्होंने बड़ी शालीनता से आप बच्चों का पूरा ध्यान रखा। शुरू से भी आप बच्चों की चिंता करते रहते थे कि पहले उन्होंने कहा था 500 बच्चे लाएंगे, 600 बच्चे हुए। मैंने कहा जितने बच्चे उतने लाइए, बल्होत्रा का पेट बहुत बड़ा है, कोई यहाँ तो आपकी कमी नहीं रहेगी। और हमने ये देखा आप बच्चों से सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। और मैं यही चाहूंगा आप आगे और संस्कार निर्माण शिविर में भाग लेते रहे और यहाँ से कुछ न कुछ आचार्य श्री से, संतों से, प्रशिक्षणों से कुछ न कुछ सीख के जरूर जाए, अपने जीवन में जरूर चीज उतारे। हाँ, और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। मैंने सिर्फ पढ़ा है 9 स्टैंडर्ड में, गुरु और गोविंद दो कड़े काके लागे भाई, बलियार गुरु गोविंद दियो बताए। यहाँ पर गुरु भी है भगवान भी है, किसको मैं वो करूँ, लेकिन यहाँ पर तो समझ में आ गया मुझे इस प्रभाव का मतलब, तो इसी के साथ थैंक यू अंकल। यानी आप बहुत यहाँ से अच्छे प्रभावित हुए हैं और आप यहाँ खुले भी हो, बोलने के अंदर बोलने के लायक भी बने हो। शायद पता नहीं इतना अच्छा घर पे बोल नहीं पाए होंगे, लेकिन आज आपको बोलने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला और 600 टोटल बच्चे आए हैं, लड़कियां और लड़के। लड़कों का अनुभव ले लिया है, कल लड़कों का कल लेंगे, लड़कियों से भी पूछेंगे कैसा लगा और आने का बहुत बहुत अच्छा आपको लगा। धन्यवाद आपको और ओम अरम। क्या नाम बेटा, कहाँ से आए? सूरत से आया हूँ, मेरा नाम लक्ष्य है। कहाँ के रहने वाले हो? सूरत के। प्रॉपर सूरत के रहने वाले हो? प्रॉपरली नहीं, राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में? राजस्थान में। परियारा। परियारा। संस्कार निर्माण शिविर में पहली बार आए हो? हाँ। आने के पहले कुछ सोचा होगा यहाँ बल्होत्रा आने के पहले? सोचा था कैसा होगा वातावरण उधर का। हाँ। पर इधर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी?
बहुत अच्छी थी, सब फ्रेंडली थे। सब फ्रेंडली थे, सब बच्चे हिलमिल के रह रहे हो? हाँ। किसी के साथ में कोई भेदभाव, कोई व्यवहार, किसी तरह की कोई कमी, कोई झगड़ा कुछ किसी तरह के किसी के साथ में है? चार दिन में कैसे लगा, पहले दिन कैसे लगा, उसके बाद में दूसरे दिन कैसे लगा, ये बताइए। फिर उसके बाद में क्या क्या लगा आपको? पहले दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, कैसे लोग होंगे, कैसा वातावरण होगा, पर दूसरे दिन थोड़ा बेटर लगा। और उसके बाद में? बहुत अच्छा लगा, मुनियों ने हम लोग को बहुत अच्छी शिक्षा दी। मुनियों से काफी कुछ सीखा होगा? सानिध्य में बहुत अच्छा लगा। हाँ, गुरुदेव के दर्शन भी हुए और उनके सानिध्य में, मुनियों के मुनि श्री के सानिध्य में कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से। और चार दिन का शिविर आपका बचा है, आज 14 हो गई, चार दिन और बचे आगे, तो खूब आनंद लो, खूब प्रशिक्षण लो और खूब आगे बढ़ो। ओम अरम, ओम अरम।